बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसा कि कॉर्पोरेट और गवर्नेंस दो वर्ड के मजमू से ये बना है, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट एंड व्हाट इज गवर्नेंस, और फिर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। कॉर्पोरेट इज अ लीगल एंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। जिस तरह फार्म ऑफ बिजनेसेस में हम देखते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो कि एक ही बंदे का बिजनेस होता है, और उसके बाद पार्टनरशिप होता है, वो दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिलके वो बिजनेस चला रहे होते हैं, उसके भी फिर टाइप्स हैं, और फिर इसी तरह कॉरपोरेट के भी टाइप्स हैं, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कॉरपोरेट एक पब्लिक सेक्टर पब्लिक कंपनी है, जिसके वो एक खुद लीगल एंटिटी बन चुकी होती है जब इसको रजिस्टर किया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, या किसी भी कंट्री के जो ऐसे अथॉरिटीज़ हैं उनके अंडर अगर जब उसको रजिस्टर करते हैं, और फिर जब स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टेड करते हैं, तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। फिर वो उसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, अपनी एक हैसियत होती है, वो ओनर से सेपरेट होता है, वो इंजॉय करता है तमाम उन राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो कि एक इंडिविजुअल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एक कंट्रैक्ट कर सकता है, जैसे एक इंसान एक कंट्रैक्ट कर सकता है, वैसे कंपनी खुद से एक कंट्रैक्ट कर सकता है। उसके लिए उसको किसी बंदे का, किसी आदमी का, किसी डायरेक्टर के, मतलब उसके बिहाफ पे, तो वो डायरेक्टर काम कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर साइन करने के बाद डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो कंपनी ही खुद रेस्पॉन्सिबल होती है। तो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लोन एंड बारोज मनी, कर्ज लेना, लोन लेना, स्यू एंड बी स्यूड, केस करना और केस उस पर हो जाना, एम्प्लॉय को हायर करना, एसेट्स को ओन करना, टैक्सेस को पे करना, तो ये सारी चीज़ें एक कंपनी के दायरे अख्तियार में होती हैं, और इन राइट्स को और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को वो इंजॉय करता है, और वो एक उसकी एक अपनी लीगल एंटिटी होती है, एक हैसियत होती है कंपनी की। तो उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नेंस पे, कॉर्पोरेट पे हम इसके बाद भी बात करेंगे, लेकिन सिंपली ये है कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, और हमारे पास बहुत सारे कंपनीज हैं, जिस तरह से हम देख सकते हैं पेप्सी है, कोका कोला है, या इवन आप कह सकते हैं PTCL है, OGDCL है, तो ये सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके शेयर्स मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं और वो ट्रेड होते हैं। तो वो कंपनी जब तक वो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता, वो पब्लिकली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो शेयर्स ट्रेड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि कंपनीज को मजबूर करे कि वो रजिस्टर हों और लिस्टेड हों, ताकि उनका सारा डाटा अवेलेबल हो पब्लिकली, और कोई लोग धोखे में आके उनके शेयर ना खरीद रहे हों, लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन हो। तो ये कंपनी होती है। अब कंपनी के बाद कंपनी की गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस की यहाँ एक डेफिनेशन लिखी गई है, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग अमंग द एक्टर्स इन्वॉल्व इन कलेक्टिव प्रॉब्लम दैट लीड द क्रिएशन, री इन्फोर्समेंट और रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल नॉर्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक गवर्नेंस का प्रोसेस होता है पूरा, लेकिन हम बेसिकली इसमें गवर्नेंस में इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नेंस जारी बात है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और उसमें सारे प्रॉब्लम्स को देखा जाता है और फिर उनके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल नॉर्म एंड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन बेसिकली जो हम इंटरेस्टेड हैं इस लेक्चर में, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या बनती है? यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा गया है कि द मैकेनिज्म यूज्ड टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी इन ऑर्डर टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। इसके हम अगर इसके पार्ट्स करें, अगर हम इसको डिवाइड करें, द मैकेनिज्म दैट यूज्ड टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, बेसिकली ये एक पार्ट है कि ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए से कंपनी के मैटर्स को, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल किया जाता है और डायरेक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए इन ऑर्डर टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ आर स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर्स के, चाहे वो उनके इंडिविजुअल हैं या उनके कलेक्टिव राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन इतनी भी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास इससे आसान भी डेफिनेशन मौजूद है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाई विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जिसके जरिए से कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है,
और ऐसा क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. तो सिंपली इसको इज अ सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. तो ये इस तरह से इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफाइन किया जाता है. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो मैकेनिज्म क्या है, वो सिस्टम क्या है, किस सिस्टम के थ्रू कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है कंपनीज के अफेयर्स को, ताकि स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों, इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड. उनको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम दो किस्म के हैं मेनली. एक वॉलंटरी सिस्टम है और एक कंपल्सरी सिस्टम है. अब वॉलंटरी सिस्टम क्या है? वो ये है कि आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है, एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हम इसको कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, जो कि वॉलंटरीली आप उसको फॉलो करते हैं दुनिया में से. फॉर एग्जाम्पल यूके में, यूरोप में, कुछ कंट्रीज में ये वॉलंटरी सिस्टम है. आपको एक प्रोसीजर दिया जाता है, एक कोड दिया जाता है जिसको आप फॉलो करते हैं अपनी मर्जी से, और अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो उस पर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये मैं इस तरह से नहीं करने लगा, मेरे ये मजबूरियां हैं या ये मेरे हर्डल्स हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाता. और दूसरा है मैंडेटरी सिस्टम. मैंडेटरी सिस्टम भी दुनिया के कई कंट्रीज में, इवन यूएस में मौजूद है, पाकिस्तान में भी कुछ लोग कहते हैं कि ये मैंडेटरी है. अगर हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू से कंपनीज को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जा रहा होता है. तो पाकिस्तान का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंडेटरी है या वॉलंटरी है, हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन बहरहाल ये दो सिस्टम है, ये दो मैकेनिज्म है, एक वॉलंटरी है और एक कंपल्सरी है या मैंडेटरी है. इसके बाद हम जो कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहली बात ये है कि ओनरशिप इन शेयर्स, इसकी जो ओनरशिप है वो शेयर्स में है. शेयर्स मीन एक यूनिट होता है एक कंपनी के. से फॉर एग्जाम्पल, आल्दो के इतने कम नहीं होते, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि एक कंपनी के 100 शेयर हैं. अब कंपनी के अगर 100 शेयर हैं तो उसके कितने शेयर होल्डर्स होंगे, ये डिपेंड करता है. वो सारे शेयर्स एक ही बंदा भी खरीद सकता है, वो सारे शेयर्स 100 बंदे भी खरीद सकते हैं, मतलब 1%. इवन आप ये 50 शेयर एक बंदे के पास हैं और बाकी 50 शेयर 50 बंदों के पास हैं, तो इनमें से कोई कॉम्बिनेशन भी बन सकता है. बरहाल ओनरशिप शेयर्स में है, यूनिट्स में है, स्मॉल यूनिट्स में है, तो उसको डिवाइड किया जाता है. अब मेरे पास अगर 100 शेयर हैं एक कंपनी के और मेरे पास एक शेयर है, तो इसका मतलब है मैं 1% कंपनी का ओनर हूँ. और इसी तरह अगर 50% शेयर हैं तो 50 शेयर है, तो इसका मतलब मैं 50% कंपनी का ओनर हूँ. तो इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओनरशिप कंसंट्रेशन जब तब होती है जब आपके पास 5 to 10% से ज्यादा शेयर्स हों, तो आप बल्क में ब्लॉक ओनरशिप आपके पास होती है और आप कंपनी में ओनरशिप कंसंट्रेशन है और आप कंपनी को कंट्रोल कर रहे होते हैं और मैनेजमेंट में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फिर आप इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं. तो ये ओनरशिप शेयर्स में होती है. उसके बाद फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर, ये एक अच्छा ऑप्शन है उसमें कि आपके पास शेयर हैं तो आप कंपनी के मालिक हैं. अगर से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 शेयर हैं 100 में से, तो आप 50% कंपनी के मालिक हैं. आज मालिक हैं, कल हो सकता है आप मालिक ना हो, शेयर्स आप किसी को बेच दें, कंपनी अपने ऑपरेशंस करती रहेगी, कंपनी के ऑपरेशंस पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, ये कंपनी से हट कर रहे हैं. आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन कंपनी के ऑपरेशंस पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तीसरा जो अहम बात, तीसरी अहम बात है, वो है सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स. कॉर्पोरेट की जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन में डिस्कस किया कि एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, तो ये शेयर होल्डर से सेपरेट है कंपनी. ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है और जो कि अच्छा करेक्टरिस्टिक है. लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइबिलिटीज कंपनी को ही पे करने होते हैं. गुड थिंग इज कि वो शेयर होल्डर्स को नहीं पे करने होते. शेयर होल्डर से फॉर एग्जाम्पल कंपनी के 100 शेयर हैं और एक शेयर एक आदमी ने 10 रुपए में खरीदा है, तो वो जो 10 रुपए का शेयर खरीदा है उसका वो शेयर डूब सकता है, वो उसका कॉमन स्टॉक डूब सकता है, वो उसकी इक्विटी डूब सकती है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए उसकी पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी लाइबल नहीं है. तो इसकी लाइबिलिटी किसकी होती है? बेसिकली कंपनी की होती है. इसलिए हम डेफिनेशंस में जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहे होते हैं. उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. कंपनी के अगर स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल सिंपली डिस्कस करें
तो इसमें ट्राइंगल है, तीन इसके स्तूने हैं। सबसे पहला जो है वो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर पैसा देता है, और उसके बाद उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पैसे के जिम्मेदार बन जाते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि जो पैसा शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है ये प्रॉपरली बिजनेस में इस्तेमाल होगा और इससे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होगी, वर्थ बढ़ेगी कंपनी की। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को मेक श्योर करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, तो ये दो हो गए। अब ये करेगा कौन, इसके लिए मैनेजमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें सीईओ हो सकता है, टॉप में चेयरमैन हो भी हो सकता है, और फिर उसके सीनियर मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, व्हाटसोएवर, वो डिपेंड करता है कंपनी के कंपनी कितना बड़ा है, कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर कि कंपनी की वर्थ कितनी है, तो उस लिहाज से उसके एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स और वो उसका फिर हायरार्की पूरा बनता है। तो बेसिकली इसमें ये तीन चीजें हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसलिए यहाँ पे इसको लिस्ट किया गया है। और कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेन रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बीइंग ऑपरेटेड थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद हम इनको थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस करेंगे। ओनरशिप इन शेयर, कंपनी कैपिटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल यूनिट्स कॉल्ड शेयर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, हैविंग नॉमिनल वैल्यू एंड आर सोल्ड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो नॉमिनल वैल्यू को पार वैल्यू भी कह सकते हैं, जो जब जिस जिस पे शेयर इशू होता है। इसकी डेफिनेशंस डिफरेंट भी हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी की जो जितनी भी टोटल शेयर होल्डिंग है, कंपनी की जो वर्थ है, तो उसको आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे डिवाइड करें तो वो नॉमिनल वैल्यू निकल आता है या पार वैल्यू निकल आता है। लेकिन बहरहाल ये मार्केट वैल्यू से डिफरेंट है, ये बुक्स में जब बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब ये लिखते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू एंड आर सोल्ड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, तो हर कोई अपने अपने इन्वेस्टमेंट के मुताबिक और अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक और अपनी इंटरेस्ट टू द कंपनी के मुताबिक और इंटरेस्ट टू इन डेट पोर्टफोलियो के मुताबिक और सारे बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी बुनियाद पे लोग उनके शेयर खरीदते हैं, तो वो एक कम्बिनेशन बनता है। पीपल होल्डिंग शेयर इन कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, जहरी बात है, हमने पहले डिस्कस किया। तो ये शेयर होल्डर भी कह सकते हैं आप इनको, इक्विटी होल्डर्स भी कह सकते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स भी कह सकते हैं, मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। एंड दे बिकम पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के पार्ट ओनर होते हैं, मतलब अगर कंपनी का 10% शेयर खरीद लिया, वो 10% एक पार्ट के ओनर बन जाते हैं, कंपनी के सोल ओनर नहीं होते, पार्ट ओनर होते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर में ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हैव नो इफेक्ट ऑन द कंपनी। मैंने जैसे पहले कहा था कि एक पूरा सेपरेट सिस्टम है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, कंपनी एक एक उस कंपनी का ऑफिस होता है और कंपनी की एक साइट होती है और वहां पे कंपनी के कारोबार चल रहा होता है और वो प्रोसेस बिजनेस हो रहा होता है, वो बिल्कुल एक शेयर से सेपरेट होता है। शेयर की जो ट्रेडिंग है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्टॉक एक्सचेंज में और इस तरह के जगहों पे ट्रेड हो रहे होते हैं कंपनी के शेयर, तो वो बिल्कुल एक सेपरेट सेटअप है, कंपनी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, वो न्यूज़ आने से हो सकता है फर्क पड़े, लेकिन नॉर्मल डेली ट्रांजेक्शन से उस पे कंपनी की ऑपरेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी रिसीव द शेयर्स अर्निंग ओनली व्हेन इट सेल्स शेयर टू शेयर होल्डर्स, ये एक बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जब कंपनी को जब शेयर हर दफा ट्रेड हो रहा होता है तो उसका जो अर्निंग है वो कंपनी के पास नहीं हो रही, वो शेयर होल्डर्स के पास जा रही होती है। लेकिन जब पहली दफा कंपनी शेयर होल्ड करती है तो वो कैपिटल रेज होता है, उस वक्त कंपनी के पास, जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जाती है तो उस वक्त कंपनी के पास पैसा आता है। उसके बाद सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि शेयर होल्डर से ये सेपरेट एंटिटी होता है, बीइंग ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम अ कंपनी हैव नो लायबिलिटी टुवर्ड्स द डेट ऑफ द कंपनी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लिमिटेड लायबिलिटीज होती है टुवर्ड्स शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर उन लायबिलिटीज लायबिलिटीज अगर ज्यादा हो जाएं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते शेयर होल्डर, देयर लायबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू द पार वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स की पार वैल्यू डूब सकती है, वो जिसने में शेयर खरीदा है वो डूबा डूब सकता है, उससे ज्यादा शेयर की जो वर्थ होता है, वैल्यू होती है, वही शेयर खत्म हो जाता है, उसके अलावा कोई लॉसेस नहीं होते। तो इसलिए कहते हैं कि शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो इसमें लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी फेल्स टू पे इट्स डेट एंड फेस लिक्विडेशन, तो जब कंपनी अपने लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाते तो उनको लिक्विडेशन का सामना करना पड़ता है।
द कंपनी कैन नॉट आस्क इट्स शेयर होल्डर टू कंट्रीब्यूट मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द कंपनी लाइबिलिटीज। तो वही बात हो गई कि उनको लाइबिलिटीज कंपनी के होते हैं, शेयर होल्डर्स के नहीं होते। शेयर होल्डर्स का सिर्फ इतना पार्ट होता है कि वो शेयर डूब सकता है, उसकी पेमेंट उनको नहीं मिलती। हाँ, अगर कंपनी लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पा रही है और कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जा रही है, तो कंपनी के एसेट्स नॉर्मली बेच दिए जाते हैं, और एसेट बेचने से कंपनी को जितना भी मिलता है तो वो अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं। और क्रेडिटर्स में से फॉर एग्जाम्पल बैंक है, और बॉन्ड्स हैं, और फिर प्रेफर्ड स्टॉक है, और अगर कुछ बचता है तो वो शेयर होल्डर्स को मिल सकता है सारे लाइबिलिटीज पे करने के बाद। जो लास्ट है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू पीपल कॉल्ड डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायरेक्टर वो उसको देख रहे होते हैं बिजनेस को पूरा। तो उसमें डायरेक्टर डू नॉट रन द टीम ऑन डेली बेसिस। डायरेक्टर्स नॉर्मली हर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। डायरेक्टर्स के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली कम टू द कंपनीज फॉर मीटिंग्स परहैप्स अराउंड 4 to 5 times a year। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कम से कम हर क्वार्टर में एक मीटिंग होती है। तो 4 meetings तो उनकी रिक्वायरमेंट है, और उससे ज्यादा अगर वो आना चाहें, मीटिंग्स करना चाहें, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई इंपॉर्टेंट जीबीएम हो, कोई इंपॉर्टेंट इशू हो जिसपे बोर्ड मीट करना चाहे, तो वो बहरहाल उस तरह की मीटिंग्स किए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसके अलावा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कम अज कम उनको 4 से 5 दफा मिलना होता है। तो डायरेक्टर दे हायर अ टीम ऑफ प्रोफेशनल टू कैरी आउट द डेली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के डेली इश्यूज को देखने के लिए मैनेजमेंट, जिस तरह ट्राइंगुलर में मैंने आपसे बात की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट होती है, और शेयर होल्डर होते हैं, तो मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हायर करती है। मैनेजमेंट आंसरेबल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आंसरेबल है शेयर होल्डर को। तो द टीम रनिंग द कंपनी हैव टू डिस्टिंक्ट लेयर। जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेयर हैं। ये लेयर हम अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं बोर्ड्स के टाइप्स में जिस तरह से। तो वो यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन हर जगह पे क्लियरली ये कैटेगरीज, ये टीयर्स जो हैं वो डिफाइन नहीं होते। कहीं दुनिया में जिस तरह जर्मनी में, या उन 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 तरह के बोर्ड के स्टाइल में, टू स्टाइल बोर्ड जो हमने डिस्कस किए थे, कि मैनेजमेंट बोर्ड है और सुपरवाइजरी बोर्ड है, ये भी होता है। और कहीं कहीं पे बोर्ड कंबाइनली काम कर रहा होता है, तो विद इन बोर्ड सेग्रीगेशन होता है, और कहीं बोर्ड सेपरेट काम कर रहा होता है, मैनेजमेंट सेपरेट काम कर रही होती है। तो ये चीजें बहरहाल क्वालिटेटिव हैं, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए कि फर्स्ट टायर ऑफ द बोर्ड इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु सुपरवाइज सेकेंड टायर। तो फर्स्ट टायर में बेसिकली वो डायरेक्टर्स की बोर्ड होती है जो सेकेंड टायर को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। जो सेकेंड टायर है वो है मैनेजमेंट, उसमें हो सकता है आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाएं, लेकिन बेसिकली वो मैनेजमेंट हु रिपोर्ट टू डायरेक्टर एंड परफॉर्म डेली फंक्शंस। तो डे टू डे ऑपरेशंस को जो देख रहे होते हैं वो आपके मैनेजमेंट होती है, और उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकते हैं, और बाकी डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो आपके फर्स्ट टायर में होते हैं। तो ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है, मेनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। हम इसी लेक्चर से रिलेटेड कैरी ऑन करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिक्स क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। सलामु अलैकुम।